जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए 5 मिनट के अंदर पोहे, फटाफट स्वादिष्ट पोहे तैयार करते हैं। तो बता देखो किस तरीके से, मतलब पहले हमने ये मूंगफली के दाने ले लिए और इधर ही हमारे पोहे रखे हैं जो अभी हम भिगो के धो के रखेंगे। धोना है बस, केवल इनके लिए धोना है। और जो प्लेट में हमने प्याज भी करी पत्ता बाकी सब रखा ही है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में फटाफट जल्दी से हमने वो डाल दिए मूंगफली के दाना। ज़्यादा नहीं तलना, बस हल्का सा ही तलना, क्योंकि इसी में हमें सारी चीज़ें डाल देने देना फटाफट। जो ज़्यादा तलते हैं तब तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो जल जाएंगे। बस थोड़ा सा ही तलना है और इस तलने के बाद हल्की गैस पे वो भी। और इसके बाद हमने फटाफट कड़ी पत्ता डाला सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। कड़ी पत्ता हम सबसे पहले डालते हैं। उसके बाद जो राई रखते हैं ना, राई जिसमें स्वाद आता है, जिससे इसमें हमने राई डाल दी। और राई के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, और जैसे थोड़ा सा प्याज जैसे वैसा भुनेगा हल्का सा, फिर हमने इसी में अभी हरी मिर्ची भी डाल दी फटाफट। और देख बना के देखिए, 5 मिनट के अंदर ये पोहे बन जाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, फटाफट भूख लगती है, फटाफट पोहे तैयार हो जाते हैं इस तरीके से। और इसके बाद इसी में हम टमाटर भी डाल देंगे। अभी हम ये थोड़ा सा बस भुन जाए, इसके बाद हम इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। ये फटाफट टमाटर डाले हमने इसमें, और टमाटर थोड़ा सा भुन जाएगा। इस तरह चलाते रहेंगे गैस पे, हल्की गैस, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम गैस पे बनाना है। और इसी में हमने ये हल्दी मिर्च डाला सिर्फ थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं, अपने पोहे के हिसाब से। और इसी में हींग डाल दी, हींग तो वैसे ही फ़ायदेमंद होती है। और इसी में हमने नमक डाल दी, जो फटाफट टमाटर इसमें गल जाएंगे। और एक बार आप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इस तरीके से हमने इसमें नमक डाल दिया और फटाफट ये चला दिया। इस तरीके से हमने बस भूजते रहे, इसमें मिक्स कर दिया बढ़िया तरीके से। और देखिए टमाटर हमारे गलने लगे इसमें, देखिए टमाटर गल गए इसमें हमारे। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। और इधर हमने पोहे धो के तैयार कर लिए थे, अब बस तैयार हमारा, अब पोहे इसमें डाल देंगे। अभी जब बच्चे भूख तेज तेज कहते हैं मम्मी भूख लगी, तो सबसे जल्दी फास्ट सर्विस यही हो सकती है हम लोगों की। और हमने फटाफट इसमें पोहे डाल दिए, मिक्स कर दिए। ये देखो, और हमने पोहे बना के तैयार कर दिए और फटाफट बस इसमें मिला दिए, सही से मिक्स हो जाए। और इस तरीके से मिक्स होने के बाद हम एक तरफ चाय बनने रख देंगे। इधर चाय से पोहे अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से पोहे हमारे तैयार हो गए। और इसके बाद जब सही से तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद धनिया डाल देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अकेले बहुत मेहनत से बनाते हैं। एक आस में बनाते हैं कि आप लोग शायद हमारी वीडियो को पसंद करें। और बना के ज़रूर खाइए, क्योंकि बहुत टेस्टी है। हमने आपको फटाफट 5 मिनट के अंदर पोहे तैयार करके दिखा दिए। और उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया थोड़ा सा। हम घरेलू जो लेडीज हैं, जो घर के काम में व्यस्त रहते हैं, बस वो हम लोगों के पास एक यही है टैलेंट है, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, प्लीज़ हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से पोहे तैयार हो गए, और चाय के साथ, गरम गरम चाय के साथ पोहे खाइए। ये इस तरीके से फटाफट पोहे प्लेट में लगा दिए। बच्चों को भी बहुत जल्दी होती है। और इस तरह पोहे हमारे तैयार हो, पोहे खाइए। राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, राधे।